Hello students, so good morning once again, welcome to the channel. So today is our lecture number 2nd on 2nd chapter of 11th class, that is structure of atom. Yes, and in first lecture what we did, kya kiya tha humne first lecture mein, ki we did the discovery of electron. Okay, we read about the subatomic particle. कि उससे पहले तक अभी तक हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना. बट एट द एंड ऑफ 90th सेंचुरी और वी कैन सी इन द 20th सेंचुरी न्यू साइंटिस्ट केम एंड दे रिजेक्ट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि नो, एटम इज नॉट सच सिंपल कि जैसा कि डाल्टन ने बताया है. सो एटम आल्सो कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिर डिस्कवरी कैसे हुई, तो हमने लास्ट पॉइंट पे पढ़ा कि हाउ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्कवर्ड. तो विलियम क्रूक ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, और उसने कैथोड रेज की डिस्कवरी की. और जब जे जे थॉम्सन ने उन्हें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को ऊपर बात की, तो उससे उन्होंने डिफाइन किया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेम्ड इट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो बात करते हैं कि नेम कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास को कैसे कैलकुलेट किया. ये चीज भी किसने की, डाल्टन ने, सॉरी थॉम्सन ने, जेजे थॉम्सन. कि जेजे थॉम्सन व्हेन स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कैथोड रेज एंड परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन 1897, इन 1897, तो व्हाट ही डिड, उसने किया क्या, जो कैथोड रेज थी बिटाई, है ना, जो कैथोड रेज हमारी कैथोड इधर कैथोड की प्लेट से इमिट हो रही थी, ओके? तो उन कैथोड रेज के ऊपर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या रिजल्ट मिला था उसको, कि वो जो इलेक्ट्रोड जो रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की साइड डाइवर्ट हो गई थी ना, हमने किया था ना ये पॉइंट, कि ये जो रेज है ये पॉजिटिव की साइड डाइवर्ट हो गई थी. यस, बट जब उसने एक ऐसा सेटअप लगाया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कि व्हेन ही अप्लाइड बोथ फील्ड इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर, कि जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इकट्ठा अप्लाई किया, तो वो रेज बिल्कुल सीधा स्ट्राइक कर रही थी, सीधा जा रही थी निकल गई. अंडरस्टैंड, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट साइड डाउन ऊपर की साइड डाइवर्ट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड अकेला अप्लाई करा तो नीचे की साइड डाइवर्ट हो रही थी, और जब उसने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा अप्लाई कर दिया, तो वो रेज बिल्कुल स्ट्रेट सीधा निकल के गई. अंडरस्टैंड, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अंडर दिस इन्फ्लुएंस ही कैलकुलेटेड द चार्ज बाय मास रेशियो ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा अप्लाई करके उस इन्फ्लुएंस के अंदर की जो रे सीधा निकल रही थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज और मास की रेशियो फाइंड आउट की. ओके, तो वो चार्ज और मास की रेशियो क्या निकल कर आई, और उस रेशियो रिप्रेजेंट किया ई बाई एम के साथ. अंडरस्टैंड, तो वो रेशियो क्या निकल कर आई, दैट वाज 1.76 इनटू 10 रेज टू पावर 8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम. तो ये रेशियो निकल कर आई चार्ज बाय मास के एंड डेट बाय जेजे थॉम्सन इन 1897. अंडरस्टैंड, तो यहां से हमारे पास ई बाई एम की रेशियो आ गई, कितनी आ गई, 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8 कूलम पर ग्राम. ओके,
तो ये तो निकाल दी उसने रेशियो। इसी तरह से साइड बाय साइड दूसरे साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे, दूसरे साइंटिस्ट भी रिसर्च वर्क पे लगे हुए थे। तो उसी केस में एक साइंटिस्ट था आर ए मिलिकन, मिलिकन इन 1917 के अंदर, ओके, ही परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट। उसने उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, हिज एक्सपेरिमेंट वाज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, उसने एक चैम्बर बनाया ऐसे, और उसने एक छोटे से होल से, एक छोटा सा होल बनाया, और उस होल से उसने ऑयल की ड्रॉपलेट गिरानी शुरू करी, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ओके। और साथ में उसने क्या किया, एक्सरे की एंट्री करवा दी, एक्सरेज की एंट्री करवा दी अंदर, ओके। और वो एक्सरेज क्या कर दिया, एक्सरेज जो इसके अंदर में जो गैस थी, गैस को आयनाइज करवा दिया एक्सरेज ने, आयनाइज्ड। आयनाइज्ड होने से क्या, आयंस के ऊपर चार्ज, आयंस तैयार हो गए, आयंस क्रिएटेड, आयंस के ऊपर चार्ज आ गया। अब जब वो आयंस इन ऑयल ड्रॉपलेट से टकराए, या बोल सकते हैं कि जब ऑयल ड्रॉपलेट उन आयन से टकराए, तो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी चार्ज आ गया, अंडरस्टैंड। तो ये उसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप इसने ऊपर जैसे ऊपर से गिर, मान लेते हैं कि ऊपर से ऑयल गिरा रहा है, तो यहां से एक्सरे की एंट्री करवा रहे हैं, एक्सरे ने क्या किया, गैस को आयनाइज कर दिया, और उन आयन से ये ऑयल ड्रॉप टकरा के ये खुद भी इनके ऊपर भी चार्ज आ गया। तो ये धीरे धीरे किस स्पीड से नीचे जा रहे हैं, बार 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 ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और आर ए मिलिकन ने क्या किया, फिर फाइनली चार्ज फाइंड आउट किया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने इस तरीके से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने चार्ज फाइंड आउट किया, और वो चार्ज कितना निकल कर आया बेटा, दैट इज 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ओके। तो इस तरीके से उसने चार्ज फाइंड आउट किया, ये ऑयल ड्रॉपलेट या एक्सपेरिमेंट से। उसने ऊपर से ऑयल की ड्रॉपलेट गिराई, एक्सरे की एंट्री करवाई, आयनाइजेशन हुई, ऑयल के पार्टिकल टकरा के खुद चार्ज हो गए, और वो किस स्पीड के साथ गिर रहे थे, बार बार क्या चार्ज उनके ऊपर आ रहा था, तो उससे अंदाजा लगाया उसने, उससे एक चार्ज फाइंड आउट किया आर ए मिलिकन ने बाय द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज निकल कर आया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, हैविंग नेगेटिव मैग्नीट्यूड, है ना, नेगेटिव में आएगी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हैविंग नेगेटिव मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव में वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए जो ई बाई एम की रेशियो निकाल दी किसने, थॉमसन ने, और ई की वैल्यू किसने निकाल दी, आर ए मिलिकन ने, तो ये ई की रेशियो आ गई। ए भी पता चल गया हमें, अलग से इलेक्ट्रॉन का मास पता चल, चार्ज पता चल गया, और अब इससे हम क्या कर सकते हैं, मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बाय कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट, बोथ द रिजल्ट, दैट इज जेजे थॉमसन एंड आर ए मिलिकन, ओके, वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला जा सकता है। दैट इज हमारे पास क्या, ई हमें चार्ज पता चल गया, दैट इज 1.602 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाई ई बाई एम, है ना। वो क्या रेशियो थी हमारे पास, e by m की कितनी रेशियो थी, e by m दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1.062 × 10⁻¹⁹ और e by m की वैल्यू थी हमारे पास 1.76, पूरी लिखे में 1.76 × 10⁸, ओके। ये थी हमारे पास, ये वैल्यू क्या थी हमारी, कूलम, या नीचे वाली कूलम पर ग्राम, तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्राम हमारा ऊपर चला जाएगा। इस वैल्यू को जब हमने सोल्व आउट किया तो ये हमारा आंसर निकल कर आया 9.10 × 10⁻²⁸ ग्राम।
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.10 इंटू 10^-28 ग्राम, या फिर अब इसको केजी में लिखें तो 9.10 इंटू 10^-31 केजी। यस, तो इस तरीके से बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम की रेशियो निकल कर आई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया अकेले का और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मास पता चल गया। तो इस तरीके से दो साइंटिस्ट ने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स का मास भी फाइंड आउट कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी फाइंड आउट कर दिया। ओके, आई होप समझ में आई होगी चीज। और ये बेसिक सी है, हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीजें हैं जो हमें बिल्कुल माइंड में रखने की, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इन चीजों का यूज करेंगे। Done? Okay, thank you.